हेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे का यूज़ क्यों किया? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब मेंडल ने जूलॉजिकल बॉटनिकल सोसाइटी ऑफ वीनिया को ज्वाइन किया था 1953 में, तब सबसे पहली बार मेंडल को मटर के पौधे पर स्टडी करने का मौका मिला था और वहाँ पर उनको स्टडी करना था पी बीविल्स के डैमेज को। एक इंसेक्ट है पी बीविल्स जो कि मटर को डैमेज कर रहा था, इसके ऊपर स्टडी करने का सबसे पहली बार मौका मिला था मेंडल को जूलॉजिकल बॉटनिकल सोसाइटी में एज अ मेंबर। ठीक है, वहाँ पर मेंडल का इंटरेस्ट इस मटर के पौधे में आया। मेंडल तो चाहते ही थे, उनके दिमाग में पहले से ही एक पूरी रूपरेखा तैयार थी अपने एक्सपेरिमेंट की कि मुझे इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे जैसे उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही थी, वो उनको कलेक्ट किए जा रहे थे, उसी दौरान उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना एक्सपेरिमेंट इस मटर के पौधे पर ही करेंगे, क्योंकि इस मटर के पौधे के अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स उन्होंने देखे जो उनके एक्सपेरिमेंट को आसान बना रहे थे। वे कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, वे कौन कौन से फीचर्स थे मटर के पौधे में, वो देखो। सबसे पहला फीचर, आपने पता है पिछली वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ, मेंडल ने मटर की 32 वैरायटी कलेक्ट की थी। कितनी वैरायटी कलेक्ट की थी? 32 वैरायटी। इधर उधर से 32 वैरायटी ढूंढ के लाए थे मटर की। उसके बाद उसके ऊपर प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें से 22 वैरायटी उनको होमोजाइगस मिली और उनके ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया। तो ये जो 32 वैरायटी उनको मिली हैं, इन 32 वैरायटी की अवेलेबिलिटी मार्केट में उस वक्त का बहुत बड़ा टास्क था। किसी भी क्रॉप की 32 वैरायटी मिलना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन मटर की 32 वैरायटी बड़ी आसानी से अवेलेबल थी मार्केट के अंदर। तो पहला रीज़न तो यही था कि ये जो 32 वैरायटी थी वे कमर्शियली अवेलेबल थी मार्केट के अंदर, मतलब उनका जो एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल था मटर, उसकी वैरायटी बड़ी आसानी से मार्केट में मिल रही थी। ठीक, पहला कारण। दूसरा कारण, मटर का पौधा सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, मतलब उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। ठीक, मटर के पौधे में जो फूल होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, वो लार्ज शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। तो भाई लार्ज होंगे तो इमेस्कुलेशन करने में आसानी होगी। पौधा जितना ज़्यादा बड़ा होगा, इमेस्कुलेशन प्लस पॉलिनेशन करने में आसानी होगी। ठीक, अब सेल्फ पॉलिनेशन का क्या फ़ायदा है, इमेस्कुलेशन क्या होता है, पॉलिनेशन मतलब, इस लाइन का मतलब क्या समझ में आया? देखो, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन भी कराया था और क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया था। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पर आधारित था। जैसे कि मेंडल ने दो प्लांट लिए, कोई भी एक करेक्टर लेते हैं, सबसे सिंपल करेक्टर लेते हैं अपन, लाइक टॉल का कैपिटल टी स्मॉल टी। एक प्लांट है टॉल और दूसरा प्लांट है ड्वार्फ। ठीक है, मेंडल ने दो प्लांट लिए, एक था टॉल दूसरा था ड्वार्फ। एक के अंदर कैपिटल टी, दूसरे के अंदर स्मॉल टी। ठीक है, इनका क्रॉस हुआ तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर मेंडल ने दो प्लांट को क्रॉस कराया है। मान लो कि अगर इस टॉल को हमने ले लिया मेल, ठीक है, और इसको ले लिया हमने क्या, फीमेल, मतलब कि इसमें से जो मेल गैमिट होंगे यानी कि जो पोलन होंगे उनको हमें इस फीमेल तक ले जाना पड़ेगा, तभी तो क्रॉस होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इसी टॉल के अंदर फीमेल भी है, ठीक है, और इस ड्वार्फ के अंदर फीमेल के साथ साथ मेल भी है, मतलब दोनों प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों हैं, क्योंकि इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन भी कराना पड़ता है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती है? क्रॉस पॉलिनेशन से। अब देखो, चूंकि पोलन हमें इसका ले जाना है दूसरे प्लांट पर, कहाँ पर? स्मॉल टी के पास। अब स्मॉल टी के पास खुद के पास अपना मेल है, मतलब इसके जो मेल है वो भी पोलन बनाएंगे, तो कहीं इसके पोलन ही इसी के फीमेल को फर्टिलाइज ना कर दें, मतलब कहीं यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए। इस सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस मेल पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा, पॉलिनेशन होने से पहले इस मेल पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या होगा? मेल पार्ट को रिमूव कर देंगे तो ना ही पोलन बनेंगे और ना ही सेल्फ पॉलिनेशन होगा,
क्योंकि अभी हमारा टास्क क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन कराना, हमें पॉलन यहाँ से ले जाने हैं दूसरे प्लांट पर, तो हमें उसके मेल पार्ट को हटाना पड़ेगा। और इसके मेल पार्ट के हटाने की प्रोसेस को ही कहा जाता है इमैस्कुलेशन, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो मैनुअली की जाती है, हाथों के द्वारा की जाती है। तो ये इमैस्कुलेशन किसके द्वारा होता है, बाय हैंड फोर्सेप्स और सीजर्स की मदद से हम उसके एंथर पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्लावर का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उसके एंथर को, उसके मेल पार्ट को हम बड़ी आसानी से देख पाएंगे और बड़ी आसानी से उसको हम रिमूव कर पाएंगे, मतलब इमैस्कुलेशन की प्रोसेस बड़ी आसानी से हो पाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कोई भी सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज हो, कोई भी सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट हो, क्रॉप हो, उसमें अगर हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है तो इमैस्कुलेशन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसी का प्लांट उसी के मेल उसी के फीमेल पर जाकर सेल्फ पॉलिनेशन कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। और फ्लावर बड़ा है तो इसके पॉलन को भी बड़ी आसानी से हम वहाँ तक ले जा सकते हैं, फीमेल तक, तो पॉलिनेशन में भी आसानी होती है। तो ये फ़ायदा है किसका, लार्ज फ्लावर के होने का। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन ही करवाना था तो फिर क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज ले लेते, क्यों सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज ली, ये इमैस्कुलेशन नहीं करना पड़ता। तो भाई यहाँ पर मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट में सेल्फ पॉलिनेशन भी करवाना है। अब क्या करते हैं वो, जब ये F1 बन जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका वो सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, इसलिए उन्होंने सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज ली। इसलिए उन्होंने मटर चुना, क्योंकि उसका पौधा भी, उसका जो फ्लावर है वो लार्ज साइज का है, तो इमैस्कुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन तो करा ही सकते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन तो उसमें होता ही है। और उन दोनों की रिक्वायरमेंट मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट में थी। तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी था। इसके अलावा मटर के अंदर मेंडल ने 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे। कितने, 7 कैरेक्टर। जिन कैरेक्टर पर वो स्टडी करना चाहते थे वे 7 कैरेक्टर मटर के अंदर उन्होंने देखे, और वे 7 कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। कैसे थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है जिन कैरेक्टर को हम क्लियर कट डिफ्रेंशिएट कर सकें, जिन्हें हम बड़ी आसानी से क्लासिफाई कर सकें, उन्हें कहा जाता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे कि फ्लावर कलर, या तो फ्लावर वॉयलेट हो या फिर फ्लावर वाइट हो, उसके बीच का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, क्लियर कट डिफ्रेंशिएट, मतलब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो उनको सेपरेट करने में। या तो प्लांट टॉल हो या फिर प्लांट ड्वार्फ हो, मीडियम हाइट का प्लांट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम इसी में कन्फ्यूज जाएंगे कि इस प्लांट को टॉल में रखें कि हाइट में रखें, क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे उनको। तो ऐसे कैरेक्टर जिनमें क्लियर कट डिफरेंस होता है, या तो पूरी तरह से गोरा हो या पूरी तरह से काला हो, बीच में सांवला तो चलेगा ही नहीं, मतलब जब कोई दो कैरेक्टर बड़ी क्लियर कट डिफरेंस दिखता है उनके अंदर, जिनको हम बड़ी आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उन्हीं कैरेक्टर को कहा जाता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। और ये जो 7 कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी किए थे मटर के अंदर, वे 7 कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, ठीक है भाई। एक तो ये हो गया। इसके अलावा देखो और क्या बातें थी। इसके अलावा ये जो मटर का पौधा है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शॉर्ट ड्यूरेशन से मतलब हो गया कि 1 साल के अंदर कई सारी जनरेशन वो लगा सकते थे, मैनी जनरेशन पर ईयर, 1 साल के अंदर कई सारी जनरेशन को वो उगा सकते थे। मतलब मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था भाई 7 सालों में कंप्लीट क्यों हो गया और लंबा क्यों नहीं चला, वो इसलिए नहीं चला क्योंकि उसका एक कारण था शॉर्ट ड्यूरेशन, उन्होंने 1 साल में ही कई सारी जनरेशन ले ली। मान लो इस मटर की जगह पर वो गेहूँ ले लेते या चावल ले लेते तो 1 साल में सिर्फ एक ही जनरेशन लगा पाते, क्योंकि गेहूं को या चावल को ही 4 से 5 महीने का टाइम लगता है और दूसरे सीजन में वो ग्रो होती नहीं है, जबकि मटर के पौधे में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। उसको आप पूरी साल ग्रो कर सकते हो और शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है तो 1 साल में आप 4 फसल भी मटर के आराम से ले सकते हो, ठीक है भाई। और क्या कैरेक्टर है भाई, इसके अलावा सबसे एक और अच्छा कैरेक्टर है इसका लार्ज सीड। इस लार्ज सीड का क्या मतलब होता है, देखो सीड जितना ज़्यादा लार्ज होगा, जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा सीड का, उसके अंदर फूड मटेरियल उतना ही ज़्यादा होगा, और जब फूड मटेरियल ज़्यादा होगा तो उसके जर्मिनेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो लार्ज सीड होने की वजह से वहाँ पर जर्मिनेशन भी ज़्यादा होता था, ठीक है। ऑलमोस्ट 100% जर्मिनेशन वहाँ पर हो जाता था, 100% तो नहीं कहेंगे हम, जर्मिनेशन ज़्यादा होता था लार्ज सीड होने की वजह से, ठीक है।
तो ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर थे जिसकी वजह से मेंडल ने इन मटर के पौधे को अपने एक्सपेरिमेंट में चुना। अब बात कर लेते हैं वो सात कैरेक्टर, वे सेवन कैरेक्टर कौन से हैं जो मेंडल ने अपनी स्टडी में अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए थे। ठीक, इसको मिटा देते हैं पहले, तो बोर्ड को थोड़ा सा खाली करो क्योंकि अभी ये भरने वाला है। देखो वो सात कैरेक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहला कैरेक्टर कॉटिलिडन कलर, सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा है कॉटिलिडन कलर। यहाँ पर मैं दो चीज़ें लिख देता हूँ, एक डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है और उसका रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है। ठीक, डोमिनेंट और रिसेसिव इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये सारी टर्मोलॉजीज हैं, डोमिनेंस, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, होमोजीनियस, हेटरोजीनियस, इन सभी टर्मोलॉजीज के ऊपर एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो डोमिनेंट का मतलब होता है कि जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस कर सके, जो कैरेक्टर खुद का प्रभाव दिखा सके, जो कैरेक्टर खुद उभर के आए, जो हमें दिखे, वो डोमिनेंट है। रिसेसिव जो छुपा हुआ रहता है, जो अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाता डोमिनेंट की प्रेजेंस में। ध्यान रखना, डोमिनेंट अगर प्रेजेंट है तो रिसेसिव का कोई प्रभाव हमें नहीं दिखेगा। रिसेसिव का प्रभाव कब नजर आता है, जब वो होमोजाइगस हो। कैपिटल टी, कैपिटल टी कैसा प्लांट है भाई, टॉल है। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी कैसा होता है, टॉल होता है, क्योंकि कैपिटल टी प्रेजेंट है इसलिए स्मॉल टी का प्रभाव छुप गया है। लेकिन अगर स्मॉल टी है तो ये ड्वार्फ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी नहीं है, यहाँ पर स्मॉल टी है। आई बात समझ, उसको और अभी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ें लिख दी हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। हालांकि क्वेश्चन तो नहीं आते इन डोमिनेंट रिसेसिव से, बस आपको मेन याद रखना है वो सात कैरेक्टर। लेकिन इसके साथ साथ ये भी पढ़ लेते हैं, देखते जाओ। पहला कैरेक्टर कौन सा है, कॉटिलिडन कलर, और इस कॉटिलिडन कलर में आपका डोमिनेंट था येलो और ये था आपका ग्रीन। और ये कॉटिलिडन कलर क्या होता है, देखो मैं यहाँ बना देता हूँ। मान लो एक मटर का पौधा अपन बना लेते हैं यहाँ पर। अब ये मत बोलना सर मटर का पौधा ऐसा तो होता ही नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये एक फ्लावर मैंने यहाँ बनाया, एक फ्लावर यहाँ बनाया, ठीक है, यहाँ पर फली लगी हुई है। देखो एक बनाते हैं अपन मटर की, एक मटर का पॉड है ये, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसकी सीड है। ठीक, कुछ होते हैं अपने इस तरह के पॉड, इन पॉड के अंदर क्या पाए जाते हैं, सीड पाए जाते हैं। ठीक है, इन सीड के ऊपर भी क्या होता है, फिर सीड कोट होता है। इस मटर के ऊपर भी एक पतला सा छिलका रहता है, उस छिलके को आप निकाल दोगे तो आप देखोगे इसके भी दो टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो दो टुकड़े हैं ना, यही होता है इसका कॉटिलिडन, यही इसको कहते हैं कॉटिलिडन, और इसी का कहता है कॉटिलिडन कलर क्या है। ठीक है, समझ गए कॉटिलिडन कलर क्या होता है। इस पॉड में क्या होंगे, सीड होंगे, फिर उस सीड के ऊपर भी सीड कोट होगा, एक पतला सा छिलका होगा, उसे निकाल दोगे तो उसके दो हाफ हो जाते हैं, उन दो हाफ को ही बोलते हैं कॉटिलिडन। तो उनके कॉटिलिडन कलर एक होता है येलो और दूसरा होता है ग्रीन। ठीक है भाई, दूसरा आ जाओ सीड कोट कलर। ठीक, सीड कोट कलर मतलब आपका ये जो आपका इस पॉड से जो सीड निकलेगा, उस सीड के ऊपर जो पतला सा छिलका रहता है उसका कलर क्या है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम किसकी, सीड कोट कलर की। और सीड कोट कलर यहाँ पर होते हैं दो, एक होता है ग्रे और दूसरा होता है आपका वाइट। कौन सा, ग्रे और वाइट। तीसरा कैरेक्टर है आपका यहाँ पर पॉड शेप, पॉड शेप। ठीक है भाई, पॉड शेप में क्या है आप आगे आपका देखो, ये कैसा है आपकी फूली हुई मटर है, और एक होती है आपकी कॉन्स्ट्रक्टेड पिचकी हुई मटर, यानी कि एक होता है इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड यहाँ पर डोमिनेंट है, और एक होता है कॉन्स्ट्रक्टेड, कॉन्स्ट्रक्टेड मतलब आपकी सूखी हुई पिचकी हुई मटर। ठीक है, पॉड शेप हो गया। पॉड शेप के बाद आ जाओ आपका फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, एक होता है लेटरल ब्रांचेस पर फ्लावर और एक होता है बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर। एक तो उसकी लेटरल ब्रांचेस में फ्लावर हो और या फिर एक टर्मिनल पोजीशन में फ्लावर हो। तो जो लेटरल ब्रांचेस में फ्लावर होते हैं ना, इनको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन और इनको बोलते हैं टर्मिनल पोजीशन। तो ये जो एक्सियल पोजीशन है ना, ये डोमिनेंट पोजीशन है, एक्सियल डोमिनेंट है, और आपका जो
टर्मिनल है वो रिसेसिव पोजीशन है। ठीक है भाई, फ्लावर पोजीशन हो गई। उसके बाद आपके आ जाओ प्लांट हाइट। प्लांट हाइट मैं जो आपको बता रहा हूँ उसके पीछे एक सीक्वेंस, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, अपने अपने तरीके से भी याद कर सकते हो, लेकिन मैंने इसी तरीके से इनको याद कर रखा है। प्लांट हाइट सबको पता है भाई, प्लांट हाइट में तो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल इसी के दिए जाते हैं, टॉल और दूसरा कैरेक्टर है आपका ड्वार्फ। ठीक है, उसके बाद आ जाओ प्लांट हाइट के बाद है आपका पॉड कलर। ये जो आप देख रहे हो ना, इसका कलर कैसा है, ये तो पॉड हो गया, इस पॉड का कलर कैसा है, तो दूसरा है आपका क्या, पॉड कलर। इस पॉड कलर में भी आपने देखा होगा ज़्यादातर कैसे होते हैं, आपकी मटर ग्रीन ही होती हैं, लेकिन कुछ मटर आपने देखी होगी वो येलो निकल जाती हैं, तो ग्रीन तो आपका डोमिनेंट है, येलो आपका रिसेसिव है। और सेवेंथ कैरेक्टर है यहाँ पर है सीड शेप। सेवेंथ कैरेक्टर कौन सा है, सीड शेप। ये जो सीड आप देख रहे हो ना, कई बार तो ये कैसे हैं आपके, बिल्कुल राउंड सीड है, कई बार आपने देखे होंगे ऐसे मुरझे हुए सीड निकलते हैं, कई बार देखे होंगे आपने बिल्कुल सूखे हुए मुरझे हुए सीड निकलते हैं, तो यहाँ पर भी दो, एक राउंड होता है और दूसरा होता है रिंकल्ड यानी कि मुरझे हुए, तो जो राउंड है वो डोमिनेंट है और रिंकल्ड है वो रिसेसिव है। ये होते हैं सात कैरेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किए थे। अब कई लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी कि सर इसमें आपने फ्लावर कलर तो लिखा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, फ्लावर कलर भी होता है, कई किताबों में आपको फ्लावर कलर भी मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पर फ्लावर कलर भी लिखता हूँ तो कैरेक्टर हो जाते हैं फिर आठ। ठीक है, लिख दो चलो फ्लावर कलर, क्योंकि फ्लावर कलर भी होता है, कई किताबों में दिया है, और ठीक है तो ये फ्लावर कलर है। अब कैरेक्टर तो आठ हो गए, जबकि मेंडल ने तो केवल सात ही कैरेक्टर स्टडी किए थे। अब अगर इस फ्लावर कलर को इसमें इंक्लूड करना है तो फिर यहीं में से कोई एक कैरेक्टर हमको बाहर निकालना पड़ेगा, या तो फ्लावर कलर को रख लो, इसमें से कोई एक कैरेक्टर बाहर निकाल दो। सिर्फ दो कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके बीच में कन्फ्यूज़न होता है, सीड कोट कलर, और यहीं पर आप लिख दो क्या, फ्लावर कलर। देखो ऐसा क्यों होता है, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। आपको कई किताबों में मिल जाएगा कॉटिलेडन कलर, बाकी ये छह कैरेक्टर वही रहेंगे, बस इन दोनों में डिफरेंस मिलेगा। कई जगह पर फ्लावर कलर मिलेगा तो फिर सीड कोट कलर नहीं होगा, और अगर कहीं सीड कोट कलर होगा तो फिर फ्लावर कलर नहीं होगा। यहाँ पर फ्लावर कलर में क्या होता है, वॉयलेट, और यहाँ पर आपका वाइट। प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पर सीड कोट कलर और फ्लावर कलर ये दोनों एक ही जीन से कंट्रोल होते हैं। एक चीज़ और आप समझो हमेशा कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो भी कैरेक्टर हैं वे सभी कैरेक्टर जीन से कंट्रोल होते हैं। ध्यान रखना, कोई भी कैरेक्टर हो वे कैरेक्टर किससे कंट्रोल होते हैं, आपके जीन से। और जीन कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक, और नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, एक जीन हमेशा एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, एक जीन हमेशा एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन एक्सेप्शंस भी है, कई बार ऐसा होता है कि एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करे, एक जीन जब दो या दो से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो ऐसे जीन को कहा जाता है प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या कहा जाता है, प्लियोट्रॉपिक जीन। तो यहाँ पर सीड कोट कलर और फ्लावर कलर को कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो भी कैसा है, प्लियोट्रॉपिक जीन है। एक ही जीन से ये दोनों कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं, इसलिए कई जगह आपको फ्लावर कलर भी मिलेगा, कई जगह आपको सीड कोट कलर भी मिलेगा। तो ये बात आप दोनों को याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो ये तो बात की हमने सेवन कैरेक्टर्स की। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये सभी कैरेक्टर किससे कंट्रोल हो रहे हैं, जीन से कंट्रोल हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर सात कैरेक्टर हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर सात जीन होंगे। कैरेक्टर कितने हैं, सात, तो ऑब्वियसली इनको कंट्रोल करने के लिए जीन भी कितने होंगे, सात होंगे। ठीक भाई, मटर के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2n=14, मतलब n=2 कितने, सात, मतलब कि मटर के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कितने होते हैं, सात। मेंडल ने कैरेक्टर भी कितने स्टडी किए, सात। अब हमने क्या बोला था कि जीन कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर। तो क्वेश्चन ये है, क्या ये सातों जीन उन सातों क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, क्या एक क्रोमोसोम पर एक जीन है, इस हिसाब से सातों क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट है क्या, ये सातों,
ये सातों जीन क्या उन सातों क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं या सिर्फ एक दो क्रोमोसोम पर ये सातों जीन प्रेजेंट हैं? ऐसा जरूरी नहीं है कि एक क्रोमोसोम पर सिर्फ एक ही जीन हो, एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन होते हैं, सब लाइन लगाकर खड़े होते हैं, लीनियर फैशन में रहते हैं। ठीक, अब ये तो कॉम्बिनेशन है भाई, इत्तेफाक वाली बात है कि मेंडल ने सात कैरेक्टर स्टडी किए, मैटर के अंदर भी सात ही क्रोमोसोम होते हैं, तो क्या ये सातों जीन सातों क्रोमोसोम पर हैं? इसका पता लगाया था वैज्ञानिक थे ब्लिक्स, इस पर क्वेश्चन आता है ब्लिक्स, जिन्होंने 1973 में इस बात का पता लगाया। इन्होंने ये पता किया कि ये जो सात जीन है वे कौन कौन से क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ठीक भाई, इन्होंने कहा कि जो सात जीन है उन सात में से क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5 और क्रोमोसोम नंबर 7, केवल इन चारों क्रोमोसोम पर ही ये सातों जीन प्रेजेंट होते हैं। बचा कौन सा? क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3 और क्रोमोसोम नंबर 6। इनके अंदर कोई भी जीन, इन सातों में से कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं होता, ये सातों जीन इन चारों क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट रहते हैं। देखो, अब मैंने ये सीक्वेंस में क्यों लिखा था, इसी वजह से अपना कॉटिलिडन कलर और सीड कोट कलर ये दोनों क्रोमोसोम 1 पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों पाए जाते हैं क्रोमोसोम 1 पर। पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन और प्लांट हाइट, पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन और प्लांट हाइट ये पाए जाते हैं क्रोमोसोम 4 पर। ठीक है, पॉड कलर ये पाया जाता है क्रोमोसोम 5 पर, और लास्ट है आपका सीड शेप, ये पाया जाता है क्रोमोसोम 7 पर। ठीक है, ये सीक्वेंस आप याद रखना, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये तो बात की हमने पी के स्पेसिफिक कैरेक्टर की, क्यों मटर को मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया, मटर के वे 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे और वे सातों कैरेक्टर कौन कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे।